यार ये डंपर है ना मिलिट्री के लिए, मतलब मिलिट्री कैंपर पर जाएगा ये, तो ये अंकल ही लाए होंगे यार, पूछते हैं इनसे। क्यों अंकल? हाँ बोलिए। खोलो। हाँ बोलिए बोलिए। ये यहाँ पर कब से खड़ी है? ये शाम को लेके आये, कल शाम को है ना। हाँ। तो ये अभी कहाँ से लाए हो? अभी तमिलनाडु बेंगलोर के आगे जो ओसूर शहर पड़ता है वहाँ से। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ यार देखना इसको। आ जाओ यहीं से, आओ यहाँ से नहीं उधर से आऊंगा यार। गाइस इसमें है ना वो मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं ना वो मशीन रखी है इसमें। यार इधर भी लैंडलाइन फोन है और ये इधर से बात करते हैं ना मतलब मिलिट्री वाले, तो इधर भी है दिखाना भाई। क्या मिलिट्री वाला वो लैंडलाइन फोन? अरे लैंडलाइन ये ऐसे इशू नहीं होते, ये जो लैंडलाइन है। हाँ पीछे वाले को कोई समस्या आती है? एक मिनट मैं बैठ जाता हूँ यार। आइए आइए बैठिए बैठिए। क्या है इसमें? वो लेड लाइन है, आगे भी रखा है, पीछे को पीछे वाले आगे वाले को सूचित करने के लिए लेड लाइन का उपयोग करते हैं। मतलब यार ये मिलिट्री के लिए है और यार मतलब अच्छी सुविधा है, आगे भी सोने का है एक, और दो मिलिट्री वाले क्या करते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाते और दो एक सो सकता है ना वहाँ पे आगे आगे दो सो सकते हैं, दो स्लीपर आगे दो चार स्लीपर ऐसी चालू कर दीजिए, ये स्लीपर ही है। हाँ और यहाँ पे भी मतलब बाहर अगर देखना हो फायरिंग वगैरह चलती है तब यहाँ से कोई करते होंगे, मतलब यार अपने को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो अपने ये डंपर है ना ये कैंप पर जाता है, मतलब अभी तो अपने इससे बनकर आया है, प्लांट से है ना, ये प्लांट से आया तमिलनाडु से और जा रहा है। एसी है? एसी मत चालू करो यार, अभी ठंड का टाइम है यार। आगे यार मतलब अभी तो ये अपने अंकल जी लेकर आए हैं, गांव में ही खड़ी है और ये अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, कल मैं लेके आया हूँ रास्ते में नैनावाल में बड़ा मेला लग गया था यार, दोनों साइड गेट है इसमें, और ये है ना बंदूक रखने के लिए, ये पता नहीं इनको क्या बोलते हैं लेकिन ये बंदूकें वगैरह रखते हैं अपन, और यार पीछे भी है ऐसी, पीछे क्या सुविधा है अंकल जी इसमें? पीछे मशीन गन तोप का है, तोप के लिए, मतलब इसमें वो अपने फायरिंग वगैरह करते होंगे, मिसाइल मिसाइल की मशीन रखी है यहाँ पर पीछे मिला है पंकज को यार। और मतलब दो पांच से छह लोगों का ग्रुप रहता होगा मिलिट्री में, मतलब इनका छह से सात है ना, छह से सात आदमी रहते हैं। वो फायरिंग वगैरह करती है ना तो ये ऊपर से निकल जाते होंगे, ये वाटर टैंक के पानी पीने के लिए सुविधा दी है। अच्छा पानी यहाँ से मतलब इसमें ही लगा है यार, बहुत अच्छी सुविधा रहती है, मतलब यार ये क्या है कैंप वगैरह पर जाते हैं तो मतलब सारी सुविधा है इसमें, एसी भी है, सोने के लिए है, पानी टैंक है, वो एक तो ये अपने फ्रंट पर है ना ये जो ड्राइविंग करते हैं इस वाले मतलब फ्रंट पर है, और एक ये एक बिटवीन में ये यहाँ पर लेड लाइन फोन एंड यहाँ पर मशीन वगैरह रखी है, और फायरिंग वगैरह होती ना तो ऊपर से निकल जाते हो, मतलब सुविधा काफी अच्छी है, और पीछे है ना एक बैक कैमरा है जिससे मतलब पीछे कुछ फायरिंग वगैरह मतलब होती है तो ये बैक कैमरा, और आगे है ना स्क्रीन लगी है ना उस स्क्रीन में देख लेते हैं, मैंने आपको दिखा दी थी वो स्क्रीन, उस स्क्रीन में देखते मतलब पीछे क्या कुछ हो रहा है, अगर पीछे से कोई हमला वगैरह होता है तो स्क्रीन में शो होता है, और यार मतलब कैमरा इतना अच्छा आता है ना गाइस इसका क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ही अच्छा, और अभी तो मजे ले रहा है यार क्योंकि अंकल जी क्या है कि गांव में लेकर आए हैं इसको, तो ये सभी अभी देखेंगे ही सही यार क्योंकि पहली बार ही देखा है इसको, और मेरे को भी यार काफी मस्त लगा, अभी तो प्लांट से नई तैयार होकर आई है, आप देख सकते हो अभी तो पैकेजिंग है इसकी, ये नए नए जो इसमें लगे हुए हैं अभी तो पैकेजिंग वगैरह है इसकी, और यार काफी मस्त लगी, ऊपर क्या है सायरन, वो सायरन है ना अंकल जी, सायरन है सायरन काफी मस्त है यार, तो इसको आप छोड़ने कब जाओगे उधर? सुबह निकलूंगा वही कैंप पर ही, कैंप पे। अच्छा ठीक है, वो अंदर नहीं जा सकता यार क्योंकि इसमें क्या है कि यार इसको अच्छे से रस्सी से बांध रखा है यहाँ से यार, और इसको खोल भी नहीं सकते अपन, अंदर क्या तो कुछ दिख जाए तो ठीक है, पता नहीं क्या है अंदर। चलो तो यार आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ये तो यार एक जानकारी टाइप था, बाकी यहाँ पर डीजल टैंक है, और ये काय के लिए, ये काय के लिए अंकल जी? ये वाला डिक्की है, डिक्की डिक्की डिक्की, ये कुछ रखने के लिए है ना लगेज वगैरह, डिक्की है ना ये, ऐसे ओपन होती है,
अच्छा इसमें कुछ सामान वगैरह है ना, कपड़े का बैग वगैरह कुछ भी रख सकते हैं मतलब? हाँ, जो कुछ भी अपनी सुविधा के लिए जो कुछ भी सामान रहते हैं। बस यार ये कुछ था मतलब, यार काफी मस्त लगा मेरे को तो, आप भी बताना। बाकी यार ऊपर से भी निकल सकते हैं और चलती गाड़ी में हवा भी खा सकते हैं इसमें, यार मजे ही है मतलब मिलिट्री वालों। लेकिन यार ये अपने देश के जवानों के लिए है, काफी अच्छी है यार सुविधा इसमें। चलो ठीक है अंकल जी, तो यार अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बड़े भाई इधर आ जाओ जल्दी से, तो यार एंड करते हैं। सबसे पहले गोली मार दो कैमरे में भाई, डिश है ना तुम्हें मारोगे। चलो तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।